प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शहीद स्मारक घंटाघर का जीर्णोद्धार कराए जाने के निर्देश के बाद गुरु कृपा संस्थान एवं अखिल भारतीय क्रांतिकारी संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने संस्थापक बृजेश राम त्रिपाठी के नेतृत्व में खुशी का इजहार किया और आतिशबाजी तथा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आभार ज्ञापित किया। इस संबंध में बृजेश राम त्रिपाठी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने निश्चित रूप से उनके इस प्रयास को आने वाली पीढ़ी स्वर्णिम अक्षरों में याद रखेगी और आत्मसात भी करेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बृजेश राम त्रिपाठी ने कहा, देखिए ये जो घंटाघर है गोरखपुर का, ये इसका बहुत सामरिक महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है और ख़ास करके राष्ट्रवादियों के लिए ये प्रेरणा स्थल है। यहाँ पर अंग्रेज़ों के ज़माने में आज़ादी के पहले पाकड़ का पेड़ हुआ करता था और उस पाकड़ के पेड़ पर अली हसन जी को अंग्रेज़ों ने फांसी पर लटकाया था। इसके साथ उनके साथ देने वाले और भी जो क्रांतिकारी थे, दर्जनों लोगों को फांसी के फंदे पर अंग्रेज़ों ने लटकाया था। बाद में इसी घंटाघर के पास जो अपना रायगंज है, यहाँ के सम्मानित प्रतिष्ठित व्यवसायी परिवार ने, सेठ परिवार ने यहाँ पर एक स्मारक टाइप, स्तूप टाइप बनाया और बाद में उसका नाम घंटाघर रखा गया। और जब 19 दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में फांसी हुई और वो बलिदान हुए, तो उनकी माँ और पूरा ये पूर्वांचल के लोग जेल पर इकट्ठा हुए थे और उनके पार्थिव शरीर को राजघाट के तट पर अंत्येष्टि के लिए ले जाया जा रहा था। तो आम जनता की हुजूम, भीड़ काफ़ी मात्रा में एकत्रित हो गई थी। कुछ जेल पहुंच गए थे, कुछ रास्ते में राजघाट पर आने का इंतज़ार करते थे और इतना बड़ा विकास नहीं था, तो सभी लोग यहीं पर एकत्रित थे। तो बिस्मिल जी के चित्र को, पार्थिव शरीर को यहाँ पर रखा गया था और सभी लोगों ने आम जन का दर्शन किया था बिस्मिल जी का। और उपस्थित जो भीड़ थी, जन समुदाय था, उसको राम प्रसाद बिस्मिल जी की माता जी ने संबोधित किया था। तो इस स्थान का बहुत सामरिक महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है, राष्ट्रवादियों के लिए एक प्रेरणा पुंज का स्थल है ये। और इस स्थल पर पिछले
11 वर्षों से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बलिदानी मेला खेल महोत्सव आयोजन समिति जो बैनर तले शहीद मेले का आयोजन करती है, तो गुरु कृपा संस्थान में अखिल भारतीय क्रांतिकारी संघर्ष मोर्चा के लोग लगातार इस बात को मांग कर रहे थे कि ये जो घंटाघर है इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के व्यक्तित्व कृतित्व को, उनके संदेश को इस पर लिपिबद्ध किया जाना चाहिए। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को इस बात के लिए साधुवाद देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं, आभार ज्ञापन करना चाहते हैं और कृतज्ञ गोरखपुरवासी ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश उनके इस राष्ट्रवाद की विचारधारा के प्रति उनके प्रति विनम्रतापूर्वक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता है कि उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में अशफाक उल्ला खान का फैजाबाद, राजेंद्र नाथ लाड़ी का गोंडा और ठाकुर रोशन सिंह का जो इलाहाबाद है समेत गोरखपुर के और बंधु सिंह के सभी क्रांतिकारियों के जो स्थान है जहां पर उनके जन्म लिया था, बलिदान हुआ था, उसके लिए उन्होंने कमर कसी और तत्काल प्रभाव से इस घंटाघर को उन्होंने जीर्णोद्धार करने के लिए जो आदेश जारी किया है उनके लिए हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के इस राष्ट्रवादी फैसले का हृदय से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।